Hey all you awesome new blossoming people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. So aap mein se kisi ne ye question pucha hai mujhse ki cabin crew mein income tax kaise calculate karte hain. So ye question mujhse pucha hai Mr. Nirav Dalal ne. So he's the very first person jisne mujhe question pucha hai related to income tax. जो कि कभी किसी ने पूछा, लाइक मोस्टली पीपल दे आस्क अबाउट द सैलरी ऑफ अ कैबिन क्रू कि कितनी सैलरी मिलती है, क्या पे स्ट्रक्चर होता है ये सब, बट किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ता है और हाउ डज यू नो इट इज कैलकुलेटेड एंड ऑल. सो यार मुझे टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ और मैंने टैक्स पे करा है. सो आई हैव द नॉलेज अबाउट इट. ऑफकोर्स इफ द मनी इज गेटिंग डिडक्टेड फ्रॉम माई सैलरी सो आई शुड नो राइट. तो जितनी भी मुझे नॉलेज है इनकम टैक्स के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. और ये बहुत जरूरी है कि हम इनकम टैक्स पे करें. एक नागरिक होने के नाते हमारे ये कर्तव्य बनता है कि हम इनकम टैक्स पे करें. Also, before I start talking about it, let me tell you, a lot of you ask me about my hair color. कौन सा hair color है, क्या है, what is the name and all of that. Honestly speaking, I don't know. Okay? This my husband insisted कि नहीं hair color करवा लो. तो मैं चली गई वहाँ पर, मैंने सलून वाले को बोला आपको जो ठीक लगता है मेरे ऊपर अच्छा लगेगा आप वो hair color कर दो. बस do make sure कि वो ज़्यादा loud ना हो या you know ज़्यादा over the top ना हो. Just keep it very simple. And that's what I told him. That was my only instruction. And I'm not interested into hair color and all of that. So, मैंने interest भी नहीं लाया ये पूछने में कि इतनी ज़हमत भी नहीं की कि पूछूं कि hair color कौन सा कर रहे हो आप, इसको क्या कहते हैं. So, yeah, तो मुझे नहीं पता है. I'm really sorry. तो please, मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पूछते हैं. यू नो सम पीपल देन दे कमेंट अगेन ऑन माय वीडियोस लाइक यू नो आपसे पहले भी पूछा था आपने अभी तक बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया बहन क्योंकि मुझे नहीं पता है. ओके सो लेट्स जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स. अगर हम टैक्स की बात करें, हर कंट्री में रूल्स अलग होते हैं, ठीक है, परसेंटेज अलग होते हैं कि कितना टैक्सेबल है, वो सब चीजें अलग होती है, हर कंट्री का अलग होता है. राइट नाउ देयर आर सम कंट्रीज जो टैक्स फ्री हैं, जैसे कि सम ऑफ देम आर लाइक यूएई जिसमें आपको दुबई अबू धाबी आ जाता है, देन इफ यू टॉक अबाउट कुवैत, इफ यू टॉक अबाउट कतार, सो दीज आर सम कंट्रीज विच आर टैक्स फ्री. बट देन आर कंट्री इज नॉट वन ऑफ दोज कंट्रीज, तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है. अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स in our country. One is direct tax and one is indirect tax. So direct tax है जो कि हम pay करते हैं. हमारा income tax होता है, that is a direct tax. क्योंकि directly हम government को pay कर रहे हैं अपने salary के जरिए, right? उस हमारी salary पे basically वो tax लगता है, तो उसका कुछ percentage हम government को pay करते हैं. Indirect tax आपका हो गया, जैसे आप कोई सामान खरीदते हो, ठीक है, तो उसमें MRP में आपका manufacturing जो cost होता है वो include होता है, profit included होता है and tax include होता है, जो कि गवर्नमेंट वो जो मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगाती है, बट वो अपने कॉस्ट में इंक्लूड करके उसे एमआरपी बना के हमें सेल करता है. सो इनडायरेक्टली द कंज्यूमर इज पेइंग द टैक्स, राइट. वैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आप सर्विस टैक्स देते हो, दैट इज ऑल्सो योर इनडायरेक्ट टैक्स. द GST इज ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है. सो ये आपके दो टाइप हो गए. बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि हम इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स देते ही क्यों है गवर्नमेंट को. सो अब आपको फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं अपने खिड़की के बाहर देखूं तो मुझे मेरे घर के सामने हाईवे है, ठीक है. ये हाईवे कौन बनाएगा? आप बनाएंगे, मैं बनाऊंगी, मतलब ऑफकोर्स अगर मुझे गाड़ी चलानी है, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कम्यूट करना है, तो अपनी गाड़ी मैं खुद खरीदूंगी, उसमें बैठ के फिर जाऊंगी. पर किसके ऊपर वो गाड़ी चलाई जाएगी? रोड के ऊपर चलाई जाएगी. वो कौन बनाएगा? आप बनाओगे? नो, दैट इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो गवर्नमेंट बनाती है. उसी तरीके से जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको कौन सैलरी देता है, उनकी मेंटेनेंस का ध्यान कौन रखता है. अगर आप कभी हाईवे पे जाओ, हाईवे का भी तो मेंटेनेंस करना होता है ना. हम कितनी बार बोलते हैं सड़कें कितनी खराब है, गड्ढे हैं, ये है वो है, तो आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, राइट. यू पे द टोल टैक्स. व्हाई? क्योंकि वो मेंटेनेंस करना होता है, उसके लिए यू पे द टोल टैक्स. सो हर जगह हमें किसी ना किसी प्रकार से हम टैक्स पे करते हैं. सो बेसिकली द अमाउंट व्हाट वी आर पेइंग वो घूम फिर के वापस हमारे पास ही आता है इन अ फॉर्म ऑफ the services, right? So, जैसे आपका government hospitals हो गए, army, defense, उनको कौन सैलरी देता है, पुलिस उनको कौन सैलरी देता है, वो हमारी रक्षा के लिए है, उनको कौन सैलरी देगा. सो ये सब चीजों का जो how do you take care of all these things through the tax what we pay to the government. So, and वो भी अगेन
वो भी हमारे लिए ही काम आता है. नाउ अ लॉट ऑफ यू विल बी लाइक नहीं करप्शन बहुत है ये फलाना निकाना सी, वो तो बात की बात है, बट मेन जो उसका उद्देश्य है वो मैंने आपको बता दिया कि हम टैक्स पे क्यों करते हैं. नाउ जब आप टैक्स पे करते हो तो उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट्स होते हैं. तो जिसकी जैसे ब्रैकेट्स जैसे किसी की सालाना इनकम कितनी है, लेट्स से अगर आपकी सालाना एनुअल इनकम जो है अगर आपकी 2.5 से कम है या 2.5 तक है तो आपकी सैलरी टैक्सेबल नहीं है, देन यू डोंट हैव टू पे द टैक्स, देन आपकी सैलरी पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा. बट इफ इट इज मोर देन दैट देन उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट्स होते हैं, लाइक कितना परसेंटेज है. लेट्स से अगर आपकी 2.5 से लेके 5 लाख के बीच में है तो आपकी सैलरी पे 5% टैक्स लगेगा, राइट. उसके बाद जो जितनी बेसिकली आपकी सैलरी बढ़ती जाती है उतना ही ज्यादा आप टैक्स पे करते हो. नाउ अगर मैं कैबिन क्रू की बात करूं, हमारी बात की जाए, सो हमारी जो सैलरी है वो फ्लक्चुएट होती रहती है. नाउ लाइक आई मेड लाइक इन द सैलरी वीडियो ओनली आई टोल्ड यू दैट द सैलरी इज नॉट फिक्स्ड, ओके, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द फ्लाइंग आवर्स. अगर आपको डिटेल में और जानना है इसके बारे में, सो आई विल जस्ट लीव द लिंक ओवर हियर, यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल, ओके. सो आपकी सैलरी जो है फ्लाइंग, जो मैं कैबिन क्रू की और पायलट की बात कर रही हूँ, ठीक है. सो आपकी जो सैलरी किस पे डिपेंड करती है, आपकी फ्लाइंग आवर्स पे डिपेंड करती है. सो किसी महीने आपने ज्यादा फ्लाई किया, किसी महीने आपने कम फ्लाई किया, सो इट डिपेंड्स, ओके. सो जो ब्रैकेट है, लेट्स से कभी कभार हो सकता है कि आपकी सालाना इनकम 2.5 भी ना हो. सो नाउ जो ब्रैकेट है उसके अंदर आप फिट हो रहे हो नहीं हो रहे हो वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि तो आपकी सैलरी फिक्स ही नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचिंग जॉब, जैसे अभी मैं टीचिंग में हूँ तो मेरी सैलरी फिक्स है, ठीक है. सो मुझे पता है कि मेरी एनुअल इनकम क्या है, राइट. तो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट एंड वी कैन कम टू नो कि ओके मेरी सैलरी इस ब्रैकेट पे आती है कि नहीं, क्या वो टैक्सेबल होगी क्या नहीं होगी मुझे पता होगा, और अगर टैक्सेबल होगी तो कितना परसेंट टैक्सेबल होगा. तो दैट यू आर अवेयर, लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज अवेयर कि इस बंदे से इतना टैक्स वसूलना है. पर वेन यू टॉक अबाउट द कैबिन क्रू, लाइक आई सेड, इट इज नॉट फिक्स बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग फ्लाइंग आवर्स, एंड योर फ्लाइंग आवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सैलरी, सो इट इज नॉट फिक्स. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकम टैक्स पे नहीं करते हो. आप पे करते हो, बट यू पे इन द लास्ट 4 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. नाउ वॉट इज अ फाइनेंशियल ईयर? सो फाइनेंशियल ईयर बेसिकली, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस साल से हम स्टार्ट करते हैं, तो इस साल का फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 April 2020 टिल द 31 March 2021. So that is your financial year, ठीक है. तो जैसे मैंने बोला कि लास्ट के जो 4 महीने होते हैं उस टाइम पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है, बिकॉज देन यू नो ना, पता चल जाता है क्योंकि अच्छा कि अब वो यू नो स्लैप आपने ब्रैकेट वो क्रॉस कर दिया है, टैक्सेबल है कितना टैक्सेबल, देन यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट. सो दैट्स हाउ हमें कैबिन, लाइक जैसा वी यूज टू पे द टैक्स. एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन एयरलाइंस, ओके. हर एयरलाइन का अलग होता है. लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट एमिरेट्स, कतार, तो वहां तो वो टैक्स फ्री कंट्रीज है तो उनको तो पे करना ही नहीं पड़ता. सो ये मैं इंडियन एयरलाइंस की बात कर रही हूँ, इंडिया की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इंडियन एयरलाइन के साथ फ्लाई किया है तो वहां पे ऐसा होता था. तो लास्ट के 4 months आपके क्या हो गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 months हुए. तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा टैक्स डिडक्ट होता था अमाउंट, क्योंकि वो एक साथ डिडक्ट कर रहे हो ना. सो समटाइम्स लाइक यू नो, लेट्स से अभी पहले महीने आपका, वो डिपेंड करता है कितनी सैलरी है, ठीक है, वो जो आपका टैक्स पे करते हो वो अमाउंट भी सेम नहीं होता. दैट ऑल्सो कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, ओके. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैबिन क्रू जॉब, ठीक है. मैं और जॉब्स के बारे में बात नहीं कर रही क्योंकि वहां पे मोस्टली जो सैलरी आपकी फिक्स होती है. तो दैट इज दैट, ओके. नाउ जो अब जैसे अमाउंट जैसे डिडक्ट होता था, लेट्स से 40,000 डिडक्ट करना है, ठीक है, फॉर दैट ईयर, ओके. सो ऐसा होगा कि फर्स्ट जैन में उन्होंने यू नो 8,000 डिडक्ट कर दिया, फिर फेब में उन्होंने 12,000 डिडक्ट कर दिया, फिर मार्च में उन्होंने बाकी का जो आपका 10,000 है, फिर अप्रैल में उन्होंने अगेन 10,000, ऐसे करके वो पूरा जो हमारा अमाउंट है वो डिडक्ट करने जाते हैं. ना ऑल्सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके जो लास्ट के 4 महीने तभी आपका टैक्स डिडक्ट होगा. जैसे लेट्स से आपका इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इटसेल्फ, लाइक यू स्टार्ट फ्लाइंग, ओके, सो इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इटसेल्फ यू क्रॉस द ब्रैकेट, मतलब अब आपकी सैलरी टैक्सेबल होने लग गई है, तो तभी से आपके टैक्स लगना डिडक्शन शुरू हो जाएगा. आई यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई नो इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग, बट अंडरस्टैंड, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो कैबिन क्रू के सैलरी पे टैक्स लगता है इट इज नेवर द सेम, इट कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. और जो 4 महीने होते हैं फाइनेंशियल ईयर के आखिरी,
उस टाइम पे वो सारा जो बेसिकली अमाउंट है आपका टैक्स का वो डिडक्ट करते हैं आपकी सैलरी में से. ऑलराइट, अनदर थिंग, जो भी इंसान इंडिया में काम करता है, ठीक है, इंडिया से इंकम कमाता है, वो सब लोगों को इंकम टैक्स पे करना पड़ता है. दे ऑल आर लाइबल टू पे द इनकम टैक्स. ओके, अनदर चीज यू विल से दैट, अच्छा कैलकुलेट कौन करेगा ये इनकम टैक्स? तो ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है. बट द वन थिंग विच यू कैन डू इज, नाउ लेट्स से आपका डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, सो ये अमाउंट डिडक्ट होता है सैलरी में से. अगर मेरा मुझे यू नो मेरी सैलरी से कुछ डिडक्शन हो रहा है तो आई विल नॉट लाइक इट, ठीक है, मेरी खून पसीने की कमाई है तो मुझे चाहिए कि मुझे मेरी पूरी सैलरी मिले. राइट, सो आप कुछ चीजें कर सकते हो जिससे कि आपका टैक्स ज्यादा डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है. सो सम इन्वेस्टमेंट्स यू कैन डू सो दैट वो इन्वेस्टमेंट आप शो करो और आपको फिर ज्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, या थोड़ा आपको लीवे मिल जाता है जब हम इनकम टैक्स डिडक्शन की बात करते हैं. राइट, सो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन, हमारी एयरलाइन में होता था एंड मोस्टली ये सारी एयरलाइंस में होता है कि दे गिव यू दिस प्रपोजल फॉर्म, दे गिव यू दिस प्रपोज इन्वेस्टमेंट फॉर्म. सो उसमें आप सारी डिटेल्स भर दो, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है आप उसके बारे में, चाहे 50,000 का हो, 1 लाख का हो, 1.5 का हो, ये सब आप डिटेल्स उसमें फिलअप करते हो. तो आप क्या क्या चीजें मैंशन कर सकते हो, जैसे आपने लोन ले रखा है, आपने होम लोन ले रखा है, आप उसके बारे में मैंशन कर सकते हो कि आपकी सैलरी से हर महीने इतना लोन का, मतलब जो आपका इंस्टॉलमेंट जा रहा है, सो यू कैन मैंशन अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है. अगर आपका कार लोन है या पर्सनल लोन है, दैट कैन नॉट बी इंक्लूडेड, दैट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ इट, यू कैन नॉट शो दैट. उसके अलावा अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए, सो आप वो भी शो कर सकते हो, ठीक है, इन द इन्वेस्टमेंट फॉर्म. ऑल्सो अगर आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, यू नो जैसे मैंने ले रखा, मैंने यही कर रखा था, मैंने कोई पॉलिसी ले रखी थी, सो मैं हमेशा वो शो कर देती थी कि इस उम्मीद में कि मुझे मेरा टैक्स थोड़ा कम डिडक्ट हो. सो ये सारी चीजें आप शो कर सकते हो और यू नो ये फॉर्म भर सकते हो. एंड इसका लास्ट जो डेट होता है इसको सबमिट करने का, मतलब प्रपोजल फॉर्म, प्रपोजल मतलब पहले बिफोर आपका डिडक्शन हो, इतना मेजर डिडक्शन हो उससे पहले ही आप ये प्रपोज कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हो, सो दैट यू हैव टू डू बिफोर लाइक नवंबर दिसंबर से पहले आपको शो करना होता है, ठीक है. आई रिमेम्बर हमारे यहाँ ना ऑफिस में एक नेगी जी होते थे, तो जैसे एपी का काम होता था या ये सब टैक्स वगैरह का काम होता था, फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है, कहाँ से मिलेंगे, ये सब ही यूज टू टेक केयर ऑफ इट. सो आई रिमेम्बर वो ही यूज टू टेल मी, यू नो कुक रेती कब करेगी तू टैक्स फिल, कब करेगी अपना फॉर्म फिल तू. एवरी टाइम बिकॉज हर टाइम मैं भूल जाती, मैं मतलब जब टाइम निकल जाता था तब मैं बोलूंगी नहीं कि जी मुझे ये फॉर्म फिल करना था, एंड यू लाइक कि अब तो टाइम निकल गया, या फिर बेचारे सम हाउस यूज टू ना हेल्प मी आउट विद दैट. सो यार ये मुझे एकदम सुन की याद आ गई. सो यार ऐसे भी होता था. तो अगर आप लेट्स से अगर आप भूल गए हो, ठीक है, तो ये चीज अगर आप भूल गए हो शो करना, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप इसे बाद में भी कर सकते हो. बाद में कब, जब सैलरी आपका सब डिडक्शन हो चुका है, इनकम टैक्स डिडक्ट हो चुका है, उसके बाद जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, आईटीआर फाइल करते हो, उस टाइम पे भी आप ये इन्वेस्टमेंट शो कर सकते हो. पर जब भी आप ये इन्वेस्टमेंट, जब भी ये फॉर्म भर रहे हो, इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हो, यू हैव टू शो द प्रूफ ऑल्सो, जेरोक्स कॉपी ऑफ दैट. इट कैन नॉट बी लाइक कि मेरा होम लोन है इस आशा में कि अच्छा मैं ऐसे बोल दूंगी तो मेरा टैक्स कम डिडक्ट होगा. नहीं, यू हैव टू शो द प्रूफ, ठीक है. सो जेरोक्स ऑफ दैट जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, ऑफ कोर्स यू ऑलवेज गेट द प्रूफ, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, पॉलिसी हो चाहे इंश्योरेंस हो, आपके को हमेशा हार्ड कॉपी मिलती है उसकी. सो यू मेक श्योर उसका जेरोक्स निकाल के यू पुट इट विद द फॉर्म, एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द टैक्स रिटर्न दैट टाइम ऑल्सो यू कैन शो दैम. इन बोथ द केसेज यू हैव टू शो दैम द प्रूफ. ओके, ऑल्सो हमारा जो जॉब होता है वो इट्स हाई रिस्क जॉब. ओके, फ्लाइंग जॉब इज कंसिडर्ड टू बी अ हाई रिस्क जॉब. सो हमें वहां पे भी थोड़ा लीवे मिल जाता है बिकॉज आर जॉब इज हाई रिस्क जॉब. सो थोड़ा इनकम टैक्स डिडक्शन में वहां पे भी थोड़ा लीवे मिल जाता है. जैसे माइंस में जो काम करते हैं दैट इज ऑल्सो अ हाई रिस्क जॉब, उसी तरीके से हमारा भी कंसिडर किया जाता है. सो इसकी वजह से जो टैक्स डिडक्शन में जो लीवे है थोड़ा हमें वहां पे भी मिल जाता है, ये भी थोड़ा कंसिडर हो जाता है, ठीक है, फॉर पायलट्स एंड फॉर द कैबिन क्रू. आखिर में सबसे मेन चीज इज टू अप्लाई फॉर द आईटीआर, टू फाइल द आईटीआर, आपका इनकम टैक्स रिटर्न. जितना जरूरी इनकम टैक्स पे करना है उतना ही जरूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें. ओके, सो आप फाइल कैसे करेंगे? सो नाउ एक फॉर्म 16 आता है जो कि आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करते हैं. सो नाउ दैट फॉर्म 16 विथ द पे स्लिप, पे स्लिप होता है बेसिकली आपका सैलरी स्लिप होता है. सो मार्च महीने का सैलरी स्लिप और आपका दिस व्हाट आई एम सेइंग द फॉर्म 16 वो, और लेट्स से अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं शो किया है, प्रपोज इन्वेस्टमेंट फॉर्म नहीं पढ़ा है पहले, सो देन अभी उसके साथ जो भी आपका प्रूफ है, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका प्रूफ, ये सब चीजें
आपको ये सब चीजें लेके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं टू अप्लाई फॉर द आईटीआर. अगर आप चाहें तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. बट मेजोरिटी ऑफ अस, आई एम टॉकिंग अबाउट मी एंड माई अदर कोलीग्स, हम लोग एक सीए को अप्रोच करते थे फॉर दिस होल प्रोसेस. एंड ऑफकोर्स कुछ फीस, ऑफकोर्स नॉमिनल फीस विच यू हैव टू पे, एंड देन दे यूज टू अप्लाई फॉर द आईटीआर ऑन आर बिहाफ. ओके, सो लाइक डॉक्यूमेंट्स उनको ही हम फॉरवर्ड करते थे, द फॉर्म 16 एंड आर पे स्लिप फॉर द मार्च मंथ, एंड इफ वी एंड द इन्वेस्टमेंट्स जो अगर हमने कर रखे हैं, एंड दो तीन महीने में हमें अपना टैक्स रिटर्न मिल जाता था. सो मेक श्योर आप जब भी इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं अपनी, ठीक है, तो ऑलवेज यू शो द प्रूफ, ठीक है, चाहे आप पहले इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं टैक्स डिडक्शन के या बाद में, दोनों टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप प्रूफ शो करें, बिकॉज जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया है वो किसने देखा, राइट? सो यू हैव टू शो द प्रूफ, एंड दैट इज दैट. सो दैट इज हाउ यू अप्लाई, एंड दैट इज द होल प्रोसेस व्हाट वी यूज टू गो थ्रू. सी, इतनी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. ज्यादा देखो, ज्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ सीए और आई एम नॉट वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. बट कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री. अगर आप कुछ अमाउंट किसी को पे कर रहे हो तो आप क्यों पे कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट डूइंग अ डोनेशन, राइट? आपको पता होना चाहिए कि क्या डिडक्शन है, क्यों है, एंड ये सब है, ठीक है. लाइक आई सेड कि एक फिक्स अमाउंट मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आपके फ्लाइंग आवर्स है, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं. सो या, बट दैट इज दैट. एंड ऑल्सो अनदर थिंग आई वुड लाइक टू रिपीट दैट जितनी आपकी सैलरी होगी उतना ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड ये लीगल है. और अगर आप इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो भी आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा. अब कितनी पेनल्टी पे करना पड़ेगा, वेल खुद ही आजमा लीजिए और आप यू विल गेट टू नो, है ना. अनदर थिंग विच नीरव आस्क्ड इन द क्वेश्चन, दैट वाज कि आपका जो इनकम टैक्स है वो बेसिक सैलरी पे लगता है, टोटल सैलरी पे लगता है? सो टोटल सैलरी पे लगता है आपका इनकम टैक्स, ठीक है. क्योंकि खुद सोचो, अगर बेसिक सैलरी पे लगना है तो बेसिक सैलरी तो आपकी फिक्स है, तो उसके लिए पूरा आपको इतना साल एंड होने का क्यों वेट करना है, लास्ट के फोर मंथ क्यों डिडक्ट करना है, आप शुरू से डिडक्ट कर सकते हो, राइट? बट क्योंकि उसमें आपके फ्लाइंग का अलाउंस भी इंक्लूड होते हैं एंड वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, सो दैट इज द रीजन वाई वो एंड में होता है. तो जो आपका इनकम टैक्स लगता है आपकी टोटल सैलरी पे लगता है, ठीक है, आपका बेसिक फ्लाइंग अलाउंस सब मिला के. आपके इंटरनेशनल अलाउंस पे नहीं लगता है, ठीक है, बट जो बाकी सारी चीजें उन पे, उन सबको मिला के उस पे, उस सैलरी पे आपका इनकम टैक्स लगता है. सो या, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. अगेन, ये सब जितनी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की है मैंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर करी है, ठीक है. हो सकता है किसी और का कुछ और एक्सपीरियंस हो, ठीक है. इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन, एयरलाइन टू एयरलाइन, कंट्री टू कंट्री, ठीक है. सो या, आप ये मत बोलना कि आपने गलत बताया, मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करी, ओके. अगर आपको और जानकारी चाहिए रिगार्डिंग द टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब चीजें क्या होता है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर विच आई एम गोइंग टू लीव राइट ओवर हियर. ही इज अ सीए, ही इज अ बॉम्बे बेस्ड सीए, एंड इनसे भी हमारे काफी जो क्रू थे, they used to Bombay crew especially, they used to approach him for the tax return. So you can get in touch with him, he will give you all the information. This is Mr. Kantilal, he will give you all the information regarding the income tax, chahe aap crew hain nahi hain, theek hai. Otherwise bhi agar aapko jankari chahiye, you can feel free, you can contact him, feel free to approach him. And yeah, that's all for today. I hope you like this video, I hope you find it helpful. If you do, make sure you give this video a big thumbs up, subscribe to my channel, press the bell icon next to your subscribe button so that you will be notified next time I upload a video. And I shall see you in my next one. Take care.